स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। मैं आपकी हिंदी टीचर अनीता राजपूत आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा 5 का पहला पाठ राग की रस्सी पढ़ाऊंगी। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कक्षा 5 का पहला पाठ के कठिन शब्दों राग की रस्सी का सारांश पढ़ा था। आज हम राग की रस्सी पाठ को पढ़ेंगे, तो चैप्टर को रीड करेंगे। ओके बच्चों, बुक्स को ओपन करो। हमारे चैप्टर का नाम है राग की रस्सी। ओके बच्चों, ओके अब हम रीड करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनक वसेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कौन था मशहूर? लोनपोगार। कोई उनके सामने टिकता न था। लोनपोगार के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बन गया था। किसका? लोनपोगार का। लोनपोगार का एक बेटा भी था, वो बड़ा होने लग गया था तो उनके चिंता का विषय बन गया था। क्यों? हम आगे पढ़ते हैं। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। क्या था कारण उनका? कि बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, मतलब बिल्कुल भी होशियार नहीं था, वो सीधा साधा था। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। लोनपोगार को बहुत चिंता होने लग गई कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मैं तो हूँ अभी, पर जब मैं नहीं होगा तो उसका काम कैसे चलेगा। फिर क्या हुआ? एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा। लोनपोगार ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और उसको कितनी भेड़े दी? 100 भेड़े दी। वो देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, बाजार जाओ, शहर मतलब बाजार में जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना और 100 जौ के बोरों के साथ। कि पिताजी ने क्या बोला कि ये 100 भेड़े लेके बाजार में जाओ, इन्हें मारना भी नहीं है और काटना भी नहीं है और ये बेचना भी नहीं है, और आप आओ ना जब 100 जौ के बोरे लेके साथ में लेके आना। फिर पिताजी आके बोलते हैं, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। पिताजी ने क्या बोला कि 100 भेड़े लेके आना, भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरे भी लेके आना, तो 100 जौ के बोरे नहीं लेके आओगे तो मैं आपको घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना मतलब जाने को बोल दिया। फिर आगे होता है, लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया। लोनपोगार का बेटा था वो शहर तो चला गया, मगर इतने बोरे 100 जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। क्या थे? बेटे के पास इतने पैसे नहीं था कि वो जौ को खरीदे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। वो सोचने लग गया कि पैसे तो है नहीं, 100 जौ के बोरे कैसे लेके जाऊँगा, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। सोच रहा था पर कोई माइंड में उसको कोई सोच ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तभी एक लड़की ने उसको देखा, लड़की उसके पास में आके खड़ी हो गई। फिर लड़की क्या बोलती है, क्या बात है तुम इतने दुखी क्यों हो? लड़की क्या बोलती है, क्या बात है तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। लोनपोगार ने बोल दिया, उसके बेटे ने बोला कि भाई मुझे मेरे पापा ने भेड़े दिए, वो बोला है कि इनको बेचना भी नहीं है और काटना भी नहीं है, और उनके साथ आप 100 जौ के बोरे भी लेके आना। तो लड़की क्या बोलती, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने इतना कहकर क्या किया, भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया, और जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लड़की बहुत बुद्धिमान थी, तो उसने क्या किया, लड़के को बोला चिंता मत करो। फिर क्या किया, भेड़े को लिया और उनके बाल सब उतार के बेच दिए, और बेचने के जो पैसे आए उसे जौ के बोरे खरीद लिए। लड़के को बोला लो पैसे और ये जौ के बोरे
और आप घर पे जाओ। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिताजी बहुत खुश होंगे। बेटा खुश हो गया, घर पे आके खुशी खुशी घर पे आ रहा था, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बेटे ने क्या किया, लोनपो गार के बेटे ने घर पे आया, पूरी कहानी अपने पिताजी को सुनाया। पिताजी को बात अच्छी नहीं लगी, तो आगे क्या किया पिताजी ने, वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर, उस दिन तो क्या किया पिताजी बाहर चले गए कमरे के, फिर दूसरे दिन क्या किया, फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। पिताजी ने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि पिछली बार तो आपने भेड़ों के बाल बेचे थे ना, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। पिताजी ने क्या बोला कि उस पहले की बार आपने बेचे वो मुझे पसंद नहीं आया, इस बार फिर से आप 100 भेड़ों को लेकर जाओ और 100 जौ के बोरे साथ में लेकर आना। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठ गया। फिर बेटा निराश हो गया और वही जगह पर जाकर बैठ गया। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। उसके माइंड में घूम रहा था कि वो लड़की है ना, वो फिर से उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आएगी। फिर आगे क्या हुआ, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। लड़की आई और लड़के ने पूरी आप बीती उस लड़की को सुना दी। अब तो बिना जो के 100 बोरों मेरे पिता मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। लड़के ने क्या बोला कि इस बात में जो के बोरे नहीं लेके जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, लड़की थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने सोचा, फिर बोली, एक तरीका है। क्या बोला लड़की ने कि एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जो खरीद लिए। लड़की ने सोचा, उसको तरीका याद है। उसने क्या किया, भेड़ों के पास में गई, भेड़ों के सींग काटे और उन्हें बेच दिए, उनसे जो पैसे आए उसे जो के बोरे खरीद लिए और बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। ओके बच्चों, फिर आगे क्या होता है, भेड़े और जो के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। लोनपो गार का बेटा घर पे आया, बहुत खुश था। उसने अपने पिताजी को बोला, कुल्लो भेड़े पापा जी, पिताजी मैंने 100 भेड़े भी दी और 100 जो के बोरे भी साथ में लेके आया हो, मैंने भेड़ों को बेचा भी नहीं है। उसने विजयी भाव से सारी कहानी सुना दी। उसने बता दिया कि मुझे वो लड़की मिली थी, उसने मुझे ऐसा बोला, हमने वो किया। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दे। पिताजी ने क्या बोला कि जाओ उस लड़की को बोलना कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेह दोहरा दिया। फिर बेटा लड़की के पास में गए ना, उसने बोला कि मेरे पिताजी ने बोला है कि उनको ना 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दो। लड़की ने एक शर्त रखी। क्या किया लड़की ने, एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी। लड़की ने क्या किया, बोला कि मैं एक रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लड़की ने बोला कि मैं रस्सी तो बना के दूंगी, पर क्या आपके पिताजी मेरी बनी हुई रस्सी को अपने गले में पहनेंगे, उनको पहननी पड़ेगी। लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, क्योंकि राख की रस्सी नहीं बनती है, इसलिए उसकी रस्सी कैसे बनेगी, बनाना ही असंभव है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। पिताजी ने क्या बोला कि राख की रस्सी तो बनने वाली नहीं है, मैं उसकी शर्त मान लेता हूँ। फिर अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा। लड़की ने क्या किया, रस्सी ली, उसके पत्थर के ऊपर उसको रख दिया और रखने के बाद में
और जला दिया। उस रस्सी को पत्थर के ऊपर रखा और रस्सी को जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। रस्सी तो जल गई, पर जलने के बाद में क्या होता है, वो ब्राउन, वो ग्रे कलर की उसके ऊपर होती ना ग्रे राख, वो उसके ऊपर बच गई। इसे वह सील समेत लोनपो गार के पास ले गई। वो पत्थर है, पत्थर के ऊपर पूरी राख रस्सी के आकार में बिछी हुई है, वो लोनपो गार के पास में ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लेके गई लोनपो गार को, क्या कहें, लो पहन लो। लोनपो गार रस्सी को देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। उनको पता था कि राख की रस्सी तो बन ही नहीं सकती, ले पहनना तो दूर, उस तो हमें हाथ में भी उठा नहीं सकते हैं, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। राख की रस्सी को तो हम हाथ लगाएंगे वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, और बिना वक्त गवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा दिया। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। पर क्या क्या लोनपो गार ने अपने लड़की को बोला कि भी आप मेरे बेटे से शादी कर लो, तो लड़की ने भी हाँ बोल दिया और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया? ओके, ये हमारा भाग 2 था। कल हम इसका भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके टेक्स्ट बुक में दिए गए सभी प्रश्न उत्तर कल हम उसको सॉल्व करेंगे। आपको बेटा इस कहानी का सारा समझ में आया है, उसी मोबाइल में सुनना है और आपको अपने अनुसार सारांश अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों।